हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सर्दियों में अपने बजीज पेट्स को, अपने बर्ड्स को कौन कौन से सॉफ्ट फूड देने चाहिए। दोस्तों, सॉफ्ट फूड बहुत ही ज़रूरी है किसी भी मौसम में के लिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। गर्मियों में जो सॉफ्ट फूड देते हैं उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं सर्दियों में, और कुछ नए सॉफ्ट फूड भी ऐड किए जाते हैं। मैं अपने बर्ड्स को कौन कौन से सॉफ्ट फूड देता हूँ, सीड्स में मैं क्या क्या सीड्स देता हूँ, यही आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपने मेरे सेटअप की प्रोग्रेस देखी होगी, इतनी अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिली है, तो आपको ये जानने का इच्छुक भी आप हो रहे होंगे कि मैं अपने बर्ड्स को डाइट में क्या क्या देता हूँ, तो कैसे देता हूँ ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, जल्दी से बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। सबसे पहले दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, काफ़ी सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो कि सॉफ्ट फूड के बारे में ही नहीं जानते, या सॉफ्ट फूड के नाम पर एक दो दाने ही, भीगे हुए दाने देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देते। तो ये वीडियो देखकर काफ़ी हमारे भाई ऐसे हैं जो इस तरह से अपने बर्ड्स को डाइट देना शुरू कर देंगे, जो कि वीडियो में मैं बताऊंगा, जो भी मैं अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देता हूं। तो कोई भी नया सॉफ्ट फूड जब भी आप अपने बर्ड्स को देना स्टार्ट करें, तो धीरे धीरे उन्हें आदि करें, कम क्वांटिटी से स्टार्ट करें, फिर आप धीरे धीरे उन्हें खाना चालू कर दें, उसे अच्छे से पचाना शुरू कर दें, फिर आप उन्हें सही क्वांटिटी पे लेके आ जाए जितने भी आपके पास बर्ड्स हैं। ऐसा नहीं हो कि आज आपने वीडियो देखी और कल से आपने अपने बर्ड्स को भर के देना शुरू कर दिया और पता चला कि भाई लूज मोशन हो गया है। तो ऐसा नहीं करना, धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाना, कम से आपको आगे बढ़ना है, और फिर अपने बर्ड्स को आदि करना ताकि वो उन्हें अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, कोई लूज मोशन वगैरह ना हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सीड्स में मैं अपने बर्ड्स को क्या क्या देता हूँ। तो दोस्तों, दाने में, सीड्स में मैं अपने बर्ड्स को सिर्फ कंगनी और बाजरा, ये दोनों मिक्स करके मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ। बाजरा और कंगनी की जो क्वांटिटी है वो मैं सेम ही रखता हूँ। गर्मियों में जो है वो कंगनी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और बाजरे की थोड़ी कम होती है। बाजरा आप जब भी दें, बाजरे को अच्छे से धो लें, धो के सुखा लें, उसके बाद अपने बर्ड्स को दें। अगर आपके बर्ड्स अभी तक बाजरा नहीं खाते हैं तो धीरे धीरे उन्हें आदि कीजिए, एकदम से भर के बाजरा ना रखें। बाजरा भी बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप बाजरा और कंगनी मिक्स करके दे सकते हैं। मैं देता हूँ, ऐसे ही देता हूँ, बाजरा और कंगनी मिक्स करके ही अपने बर्ड्स को देता हूँ, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अब आते हैं दोस्तों सॉफ्ट फूड के ऊपर। सबसे जो पहला सॉफ्ट फूड है वो आता है गेहूँ। दोस्तों, गेहूँ मैं अपने बर्ड्स को कैसे देता हूँ, गेहूँ को मैं पहले 24 घंटे भिगो के रखता हूँ पानी में। सर्दियों में 24 घंटे भिगो के रखना पड़ता है, गर्मियों में तो रात को भिगो दे तो सुबह तक ये नरम हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में अगर रात को भिगोएं तो सुबह तक ये सख्त रह जाते हैं, कुछ काफ़ी सारे दाने सख्त रहते हैं, नरम कम हो पाता है। तो 24 घंटे भिगोने से दाने जो हैं बिल्कुल नरम हो जाते हैं, और मॉर्निंग में देने से पहले एक बार मैं इनको गर्म कर लेता हूँ, एक हल्का उबाल पानी में आ जाता है तो इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बाहर इनको मैं किसी छलनी में निकाल लेता हूँ, बाहर इस तरह की छलनी में बाहर निकाल के। आप देख सकते हैं गेहूं काफ़ी नरम हो चुका है, और हाथों में मेरे पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पूरी रात भिगो के रखते हैं तो पानी की क्वांटिटी काफ़ी होती है इसमें। तो कपड़े पर इसको थोड़ा सा फैला दें ताकि पानी जो है कपड़ा सोख ले और पानी की मात्रा इसमें से, गेहूँ में से कम हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से आपको अच्छे से गेहूँ को फैला लेना है। ये देखिए, ये कपड़ा जो है ये सूती कपड़ा है, तो ऐसा कपड़ा ले जो पानी को सोख ले। तो इस तरह से आप फैला दें और कुछ देर तक ऐसे ही रहने दें, उसके बाद अपने बर्ड्स को दें। इसी तरह से मैं अपने बर्ड्स को गेहूं देता हूं भिगो के, और जैसा मैंने बताया कि गर्म करके देता हूं, एक उबाल पानी में आ जाता है तो फिर मैं निकाल के फिर इसको सुखा के देता हूँ। आपको भी इसी तरह से आप देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन उबालते समय ख्याल रखना इतना नहीं कि उसको हलवा ही कर दें। तो आते हैं दोस्तों अगले सॉफ्ट फूड के ऊपर। लेकिन दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि गेहूं के साथ ही मैं कभी तो मैं प्लेन गेहूं ही दे देता हूँ, और कभी कभी जो है वो मैं गेहूं के साथ मूंग भी ऐड करता हूँ। मूंग बिल्कुल 10% ना के समान मूंग के दाने में ऐड करता हूँ। अभी भी आप देख सकते हैं कि
गेहूं के साथ आपको मूंग भी दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से मैं गेहूं देता हूं। अब दोस्तों आते हैं अगले सॉफ्ट फूड के ऊपर के अगला सॉफ्ट फूड हमारा क्या है सर्दियों में। अगला जो सॉफ्ट फूड है हमारा वो है हरी मूंग दाल। साबुत वाली जो मूंग दाल आती है वो मैं बिल्कुल गेहूं की तरह ही देता हूं, 24 घंटे भिगो के रखता हूं और मॉर्निंग के समय गर्म पानी में इसको थोड़ी देर रख कर फिर इसको बाहर निकाल देता हूं। दोस्तों गेहूं को हमने एक हल्का उबाल लेकर फिर निकाला बाहर, और मूंग दाल जो है इसको मैं ज़्यादा गर्म नहीं करता हूँ, इसको गर्म पानी में थोड़ी देर छोड़ता हूँ, उसके बाद मैं इसको निकाल लेता हूँ ताकि इसकी ठंडक जो है वो ख़त्म हो जाए। गर्मियों में आप रात को भिगो लें और सुबह जो है वो डायरेक्ट अपने बर्ड्स को थोड़ा ड्राई करके आप दे सकते हैं। गर्मियों में थोड़ी देर मैं गर्म पानी में इसको छोड़ता हूँ ताकि इसकी ठंडक ख़त्म हो जाए। उसके बाद गेहूं की तरह ही जैसे गेहूं को कपड़े पर रख कर फैला कर सुखाया, थोड़ा ड्राई किया, उसी तरह से मूंग को भी रख कर उसके बाद अपने बर्ड्स को मैं देता हूं। और गेहूं को जब मैं देता हूं तो उसमें थोड़े दाने में मूंग के ऐड करता हूं, उसी तरह से जब मैं हरी मूंग देता हूं तो गेहूं के दाने भी मैं ऐड करता हूं। आप अभी भी स्क्रीन पर देख सकते हैं हरी मूंग आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होगी और गेहूं के दाने भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए अब आते हैं हमारे अगले सॉफ्ट फूड के ऊपर। दोस्तों अगला जो हमारा सॉफ्ट फूड है वो है बॉयल्ड राइस। दोस्तों बॉयल्ड राइस मेरा जो सर्दियों में देने का तरीका होता है वो आप स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं। बॉयल्ड राइस के साथ आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही है, वो है पालक। पालक दोस्तों मैं सर्दियों में ही देता हूँ, गर्मियों में मैं पालक नहीं देता क्योंकि पालक गर्म होता है और गर्मियों में बर्ड्स को प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो सर्दियों में मैं देता हूँ। और इसी तरह से मैं पालक देता हूँ, ग्रीन पत्तेदार जो है हमारा सब्जियाँ उसमें मेथी, पालक और लूसन, ये तीन चीज़ें आप दे सकते हैं। तीनों जो है वो गर्म होती है सर्दियों में और बर्ड्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती है, देना भी ज़रूरी है सर्दियों में, ये देना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया आपको इन्हें आदि करना, ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखी और दूसरे दिन आपने देना चालू कर दिया। ग्रीन फूड के बर्ड्स बहुत आदि होते हैं, देखते ही खाना शुरू कर देंगे चाहे आपने पहले कभी भी नहीं दिया हो, तो ये होता है। और बजरी तोते का जो फेवरेट सॉफ्ट फूड कहें तो वो पत्तेदार जो ये होती है ग्रीन वेजिटेबल, उससे वो ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत जल्दी से इन्हें खा जाते हैं, टूट पड़ते हैं, बस क्या बताऊँ मैं। तो बस आप धीरे धीरे देना आदि करें फिर आप सही क्वांटिटी में आ जाएं, क्योंकि दोस्तों एकदम से आप दे देंगे तो लूज़ मोशन भी हो सकता है। तो बॉयल्ड राइस के साथ मैंने पालक को ऐड किया है, पालक की क्वांटिटी कम है और राइस की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब दोस्तों कभी कभी मैं पालक ऐड करता हूँ बॉयल्ड राइस के साथ, और कभी मैं बॉयल्ड राइस के साथ मैं करता हूँ मेथी। ये आप देख सकते हैं मेथी है, सर्दियों में भी मेथी बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे बर्ड्स के लिए। मेथी गर्म होती है जो कि सर्दी से हमारे बर्ड्स को गर्म रखती है, और काफ़ी फ़ायदे हैं मेथी के भी। इसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो ज़रूर मैं लेके आऊँगा। तो बॉयल्ड राइस मैं वीक में दो बार ही दे देता हूँ, कभी मैं इसमें जो है वो पालक ऐड कर देता हूँ तो कभी मैं मेथी ऐड कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बर्ड्स जो हैं कितने चाव से खा रहे हैं इसको। अगला जो सॉफ्ट फूड है हमारा वो हमारे बजीज पेयर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, या कोई भी बर्ड्स आपके पास हो, सर्दियों में ये देना ज़रूरी होता है अपने बर्ड्स को, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में। एग फूड दोस्तों आप देख सकते हैं एग फूड है, और एग फूड जो है वो मैं वीक में दो बारी मैं देता हूँ अपने सभी बर्ड्स को, और सभी बर्ड्स आदि हैं, किसी भी बर्ड्स को किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एग फूड आप नहीं देते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं तो फिर से वही कहूँगा कि थोड़ी क्वान्टिटी में देना स्टार्ट करें और फिर आप उसकी क्वान्टिटी को बढ़ा लें जितने भी आपके पास बर्ड्स हों। एग फूड में दोस्तों सिंपल तरीके से बनाता हूँ, ब्रेड लेता हूँ, एग लेता हूँ, ब्रेड को मिक्सर में जो है क्रश करता हूँ, और अंडे को भी मैं क्रश करके दोनों को मिक्स करके अपने बर्ड्स को देता हूँ। एग फूड कैसे बनाते हैं अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा। तो दोस्तों जो सॉफ्ट फूड मैंने आपको बताया कि मैं क्या क्या देता हूँ, उनमें गेहूँ, हरी मूँग, बॉयल्ड राइस, मेथी, पालक, एग फूड, ये सभी मैं सॉफ्ट फूड सर्दियों में अपने बर्ड्स को देता हूँ।
और कभी कभी मैं गेहूँ, मूंग, बॉयल राइस ये सभी मैं एक साथ भी मैं अपने बर्ड्स को दे देता हूँ। और कभी कभी मैं जो है वो स्प्राउट भी मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ, कभी मैं बॉयल राइस के साथ दे देता हूँ, कभी मैं सिर्फ स्प्राउट ही देता हूँ। स्प्राउट भी ज़रूरी है लेकिन मैं वीकली नहीं देता हूँ, 10-15 दिन में मैं एक बार स्प्राउट देता ही हूँ मैं अपने बर्ड्स को। और कभी कभी मैं रोटी भी अपने बर्ड्स को दे देता हूँ। दोस्तों रोटी मैं तभी देता हूँ जब कभी मैं भूल जाता हूँ सॉफ्ट फूड भिगोना या सॉफ्ट फूड नहीं होता, कभी कभार ऐसा भी दिन आ जाता है, उस समय रोटी एक अच्छा ऑप्शन है, तो रोटी भी मैं अपने बर्ड्स को दे देता हूँ लेकिन रेगुलर नहीं देता हूँ। जो मैंने सॉफ्ट फूड बताए हैं ये मैं रेगुलर वीकली मेरे चलते हैं। आप भी एक शेड्यूल बना लें, डे बाय डे आप ये अपने बर्ड्स को बांट लें कि आज ये देना कल ये देना, तो इस तरीके से आप सर्दियों में अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देते रहें। जो भी मैंने सॉफ्ट फूड बताए हैं वही सॉफ्ट फूड मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ और आपने देखा भी है, सभी को खाते हुए भी देखा है बर्ड्स को। ऐसा नहीं है कि वीडियो के चक्कर में मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बता दी जो कि मैं देता ही नहीं हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता। दोस्तों जो भी मेरे सेटअप में होता है, कैसे मैं अपने बर्ड्स को रखता हूँ, क्या क्या डाइट देता हूँ, वो मैं आपके साथ वहीं शेयर करता हूँ दोस्तों। तो आपने देखा भी है मेरे बर्ड्स को, आप कंटिन्यू देखते हैं, इनकी हेल्थ आप देख सकते हैं, इनका साइज़ देख सकते हैं, इनकी फेदर साइनिंग देख सकते हैं, और मेन चीज़ दोस्तों ब्रीडिंग रिजल्ट आपने मेरे 25 पैरेट की कॉलोनी का देखा ही होगा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैं डाइट दे रहा हूँ वो मेरे बर्ड्स के लिए सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।